शूट पर जा रहे हैं, फोटो शूट पर। तो मेरा भाई है इधर, बाइक कलर है, वो और मैं एक साथ ही जाएंगे आज फोटो शूट करने के लिए। और फिलहाल के लिए हम तो बाइक में हैं अभी, और मेरा भाई है बाइक चला रहा है, और इसके पास भी हेलमेट है, हेलमेट रखा हुआ है। जब भी सामने एक मेन रोड आएगा वो तब भी पहन लेगा, तो ऐसा कुछ नहीं कि हेलमेट छोड़ के ही हम लोग आ रहे हैं। तो देखते रहना पूरे ब्लॉग को, और अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक करके जाना। शुरू करते हैं इसके ब्लॉग को। ये मेरा पहला मोटो ब्लॉगिंग है इस चैनल पर, और ये मोटो ब्लॉगिंग करने के लिए जो जो इक्विपमेंट चाहिए होता है भाई, वो इक्विपमेंट पूरे तरीके से पूरा मेरे पास तो है नहीं, तो इसीलिए मैं मोटो ब्लॉगिंग इतने दिनों से नहीं कर पा रहा था, अभी तक भी नहीं है। तो फ्यूचर में अगर शायद कभी हो तो तब मैं मोटो ब्लॉगिंग पूरे प्रॉपर तरीके से करूँगा। तो जब मैं नींद से उठा तो सुबह का उतना कुछ प्लान नहीं था, आज दोपहर में क्या करेंगे या फिर शाम में क्या करेंगे। तो मेरा जो ये फ्रेंड है, तो ये फ्रेंड मुझे कॉल किया, कॉल करने के बाद बोला कि भाई चलो फोटोशूट करके आते हैं। तो मैंने बोला कि भाई फोटोशूट करेंगे, कल बारिश हो रहा था तो अच्छा होगा या फिर बुरा होगा ये मुझे मालूम नहीं, इसलिए पहले तो मैं उसे मना कर दिया। उसके बाद जाके मुझे ये लगा कि भाई घर तो बैठा बैठा ही हूँ, तो जाते हैं मेरे फ्रेंड के साथ और फोटोशूट करते हैं। तो उसको मैंने बाद में कॉल करके हाँ बोल दिया, फोटोशूट करने के लिए जा रहा हूँ मैं। तो फोटोशूट करने के लिए उस लोकेशन पर हम लोग जाएंगे अभी, तो उसी जगह पर हम लोग जाएंगे फोटोशूट करने के लिए। तो अभी हम लोग आ चुके हैं इस जगह पर, और ये जो पूरे एरिया आप देख रहे हो, इस पूरे एरिया के अंदर मेला होता है एक समय आने पर। ये जो आप एरिया देख रहे हो ये मंदिर का सामने वाला एरिया है, और पीछे का तो अभी बाकी है, पीछे एक झील टाइप का कुछ है। जगह अभी देख रहे हो तो ये एक बहुत ही फेमस जगह है, इधर एक हिस्टोरिकल कुछ कारण के लिए। इधर देख ही सकते हो कितना खूबसूरत सा नज़रिया है, थोड़ा भी बहुत दिखाया, और भी ज़्यादा है लेकिन पूरा तो मैं दिखा नहीं सकता एक वीडियो में। तो इधर देख सकते हो, तो ये है गौरंगो महाप्रभु जी का स्नान का घाट। तो ये झील के जैसा ही है, झील ही है शायद। तो इधर हर एक लोग आते हैं भाई फोटोशूट करने के लिए और थोड़ा सा बैठने के लिए। उधर बैठने का जगह भी है, देख सकते हो नीचे। तो वो देखो उधर भी एक फ़ोटोशूट चल रहा है अभी, तो हाफ पैंट पहन के ही चले आए भाई फोटोशूट करने के लिए। भाई तुम्हारे ये कैमरा कितना माइलेज देता है? 500। तो इनका कैमरा एक लीटर पेट्रोल में 500 माइलेज दे देता है। अबे साले देख सकते हो भाई अभी पूरा सेटअप कर रहा है, और जाके बस फटाफट क्लिक करना है, बस उतना ही। दिन भाई शुरू से उतना कुछ खास नहीं था आज का, लेकिन धीरे धीरे करके बेहतर होते जा रहा है। तो ये वो DSLR है जिससे हम लोग फोटो खींचेंगे, और देख सकते हो ये 1500D है। देख ही सकते हो कितना खूबसूरत सा नजरिया है इधर। पहले एक वीडियो में गलती से आ गया था ये फुटेज, तो उसको मैं बहुत कोशिश करके भाई हाइड कर दिया। अरे नहीं लिया मैंने भाई, आगे वीडियो तो देखी, एटा ही चलछे। ना ना तू सेव करेछिस? ना ना एटा ही चलछे। अरे अगर ठाई रे उधर देख सकते हो भाई, एक बंदा उधर खड़ा हुआ है। मुझे लगा कि भाई तैरने लायक ही पानी होगा, न कि पूरा खड़े ही हो सकते हो आप। तो भाई उधर वो पूरे तरीके से खड़ा हो गया दो पैरों पे अपने, और इधर भाई जो है एक वीडियो में ये सारा कुछ दिखा दिया था, लेकिन उसको मैंने हाइड कर दिया था। अगर नहीं देखे हो, हाँ तो नहीं देखे होंगे तो लिंक डिस्क्रिप्शन में है, जाके देख लेना। अगर कुछ मालूम चले क्या था इनके हाथ में, क्या था दया, कुछ तो गड़बड़ था, लेकिन जो था मैं नहीं बोल सकता। ये रुकने का नाम ही नहीं ले रहा है भाई, हर तरफ से फ़ोटो खींचने की कोशिश कर रहा है। और तो ये भाई अपना जो फ़ोटो था तो वो कैमरे से फ़ोन में ले रहा है, और वो फ़ोटो आज की रात में ही मुझे दे देगा, जो फ़ोटो मैं आपको दिखाऊंगा देख सकते हो भाई। तो ये फ़ोटो इसका मैंने खींचा था भाई, और ये देखो भाई। तो भाई का फ़ोटो तो आपने देख लिया, कैसा लगा ये कॉमेंट में बोल देना। डिटेल में देखना चाहते हो तो एक बार और आपको दिखा रहा हूँ।
तो कैसा लगा फोटो ये कमेंट में बोल देना। ब्लॉग तो अभी बाकी है भाई, तो जितना मैंने खींचा भाई मुझे तो ऐसा लगता है भाई जो ये फोटोग्राफी का जो कोर्स है उसके अंदर भर्ती हो जाना चाहिए। तो ये भाई दूसरे दिन शायद फिर से आएगा। तो कैसा लगा इनका फोटो? अच्छी जगह पे जाऊंगा। तो अभी हम सब लोग घर की तरफ जा रहे हैं। हम सब मतलब दो ही है, हम दोनों तो हम दो ही आए थे। तो हम सब आएंगे हर ब्लॉग में। देख सकते हो कितना खूबसूरत सा मंदिर है ये, और इधर जो राधा कृष्णा का जो यही मंदिर है वो। तो ब्लॉग तो पूरे तरीके से हो गया, अभी हम लोग घर की तरफ जा रहे हैं। तो कैसा लगा ब्लॉग ये बोल देना कमेंट में। अगर पसंद आया तो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करते हुए जाना इस चैनल को। सब्सक्राइब करने के लिए भाई इसीलिए बोलता हूँ क्योंकि सब्सक्राइब करने से ना एक मोटिवेशन मिलता है, और ऐसे तरीके का नया नया ब्लॉग आप देखते रह जाओगे इस चैनल पर, जो देखने के बाद आपको शायद मज़ा आएगा, ये मुझे लगता है भाई, ये पर्सनली मुझे लगता है। थैंक यू गाइस आज का वीडियो देखने के लिए। फिर से मुलाकात होगा दोबारा। थैंक यू गाइस।